बस बहुत हो गया। गाइस प्रभास की मूवी कल्कि 28988 जो है आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दी गई है और इस मूवी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही दिया है, साथ ही में ऑडियंस के दिलों में भी एक जगह बना ली है क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है वो तो जबरदस्त है ही, साथ ही में इस मूवी के जो कैरेक्टर्स है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज ये मूवी जो है ये सेट है महाभारत से 6000 साल बाद और इस मूवी की जो स्टोरी है उसमें आपको बहुत कुछ जो है खास और अजीब भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि कैसे जो सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत होती है काशी से और कैसे इस सिविलाइजेशन का जो अंत है वो होगा संभाला पे, कहीं ना कहीं इसी के बीचों बीच ये मूवी बनी हुई है और ये मूवी केवल एक नहीं जबकि एक से ज्यादा चैप्टर्स में रिलीज होगी। तो गाइज ये है चैप्टर 1 और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा और भैरव यानी कि प्रभास के सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो इस मूवी में सारे ही कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत और इंपॉर्टेंट है बट इस मूवी में इस पार्ट में जो है अमिताभ बच्चन और भैरव यानी कि प्रभास पे ज्यादा फोकस दिखाया गया है। इस मूवी की स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स और डायरेक्शन किया है नाग अश्वनी सर ने और इन्होंने किसी भी चीज में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बात करें अगर स्टोरी की तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो आपको शुरू से आखिरी तक बांध के रखती है और साथ ही में आपको एक एक्साइटमेंट रहती है कि अगला सीन क्या होने वाला है और आपको क्या एक नया सरप्राइज मिलने वाला है। और गाइस अगर बात करें डायरेक्शन की तो इस मूवी का डायरेक्शन भी नागासिंह सर ने काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से किया है, बात हो कैरेक्टर की सिचुएशन की या फिर एक्शन सीन्स की, उन्होंने जिस तरीके से हर चीज को प्रेजेंट किया है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। मूवी में VFX भी काफी ज्यादा उम्दा लेवल का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से मूवी आपको परफेक्ट साइफाई जो है नजर आती है। अश्विनी सर ने जो है एक्शन सीन्स काफी ज्यादा अच्छे तरीके से शूट करवाए हैं क्योंकि जो एक्शन सीन्स है वो कहीं ना कहीं इस मूवी के क्लाइमेक्स में जान डाल देते हैं क्योंकि वो होता ना कि आपका एक्शन सीन एक देखा आपने और आप एकदम से शॉक्ड हुए कि ये ऐसे कैसे हुआ, मतलब एक एक बारीक बारीक जो डिटेल्स है वो काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं मूवी में। और इस मूवी में जो है BGM आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त सुनने को मिलने वाला है क्योंकि गाइज वो कहते हैं ना कि हर एक सीन की जो जान है वो BGM होता है क्योंकि एक जो BGM ही है जो एक इमोशनल सीन को इमोशनल बनाता है और दूसरी तरफ एक एक्शन सीन्स को धमाकेदार बनाता है। तो इसमें आपको BGM भी बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलने वाला है। और अगर बात करें डायलॉग्स की तो इस मूवी में कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो कि 2-3 वर्ड के हैं कि उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो सीन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। और बात करें अगर इस मूवी के क्लाइमेक्स की तो भाई क्लाइमेक्स हो तो ऐसा जो कि आपको बिल्कुल ब्लिंक भी ना करने दे, तो इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो भी कुछ इसी तरह से है। लास्ट के 30 मिनट आपको स्क्रीन से नजर बिल्कुल हटाने नहीं देंगे। वो कहते हैं ना अगर क्लाइमेक्स पावरफुल हो तो मूवी अपने आप बेस्ट बन ही जाती है, तो ये मूवी भी कुछ इसी तरह से है। बात स्टोरी की हो कैरेक्टर की हो डायरेक्शन की हो या फिर बाकी चीजों की हो, ये मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है जो कि हर एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं और ये मूवी जो है 4.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करती है। और अब हमें वेट रहेगा इस मूवी के बाकी चैप्टर्स का। तो गाइज ये था कल की मूवी का रिव्यू, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप लोग भी ये मूवी देखने जा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।